दिल्ली के पीतमपुरा में भी सड़क हादसा हुआ है। बेलगाम सेंट्रो कार ने स्कूल बच्चों समेत कई लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 8 बच्चे घायल हो गए जबकि कई पेरेंट्स भी जख्मी हुए हैं। हादसा महाराजा अग्रसेन स्कूल के पास का है। बच्चों को रौंदने के बाद सेंट्रो सवार भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ पर स्कूटी सवार एक महिला ने बहादुरी दिखाई। महिला ने स्कूटी को कार के आगे रोक दिया और मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक नशे की हालत में बताया जा रहा था। तो कह सकते हैं एक के बाद एक जो ये घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। ये दिल्ली के पीतमपुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां की एक सेंट्रो ने परिजनों को और वहां रौंदा। रौंदने के बाद भागने की कोशिश की लेकिन एक महिला की बहादुरी से जो है उन्होंने आगे जाके सेंट्रो के आगे अपनी स्कूटी लगाई और उसको रोका। रोकने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा। हादसे के वक्त मौजूद शख्स का कहना था कि कार की रफ्तार बहुत तेजी में थी। तो कह सकते हैं कि बारे एक हादसे एक गाड़ी करके इतनी तेज स्पीड में एक औरत तो गाड़ी के नीचे पलटी खाती गई है। उसके चपेट बच्चे के चक्कर में गाड़ी उड़ा दी। पूरी 2-3 बाइक उड़ाई है। सबसे यही पर अच्छा कितने लोग आए हुए इसमें? घायल तो बहुत सारे जने हुए। वो किसी को पता नहीं कौन कार अड़ा सब ले लेकर भागे उल्टे सीधे। बच्चे भी हैं? बच्चे तो हैं। बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं। 8-10 बच्चे हैं। कौन से स्कूल के हैं? ये महाराजा अग्रसेन के। कहाँ पर है स्कूल? ये क्या सोफियार में। सोफियार में। अच्छा आप भी थे साथ में? जी। आपके भी चोट आई है? ये घुटने में चोट आई है।